एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, घर पर एंजॉय कर रहे होंगे और सर्दियों के मजे ले रहे होंगे। ये मौसम ना बहुत बढ़िया है। अच्छा, आज हम करने वाले हैं ग्रूमिंग एट होम, मतलब कि घर पर हम वैक्सिंग कैसे करें, इंस्टेंट वैक्सिंग कैसे करें, घर पर हम अपने आईब्रो कैसे करें, हमें पार्लर जाने का टाइम ही नहीं है हमारे पास, और लैपटॉप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि आप पढ़ लिख हो गए, मैं कैसे करती हूँ, ये सारी चीज़ें आपके साथ आज शेयर करूँगी इंस्टेंटली, क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी वीडियो शूट करने, मेरा एक प्रमोशन का वीडियो शूट करना है मुझे, तो मैं कैसे क्या करती हूँ जल्दी जल्दी में, तो आज मैं आपके साथ वो सब शेयर करने वाली हूँ। अब देखो ना, मैंने अपने फेस पर कितना सारा ऑयल लगाया है, भर भर के लिप बाम लगाई है, ताकि मैं जब वीडियो शूट करने जाऊँ, मेकअप करूँ, तो मैं एकदम ग्लोई एंड हाइड्रेटेड हूँ, मेरी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मेकअप करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए मुझे। सो मैंने बहुत सारा लिप बाम लगाया है, मैंने ऑयल से मसाज की है, ऑयल एंड टी ट्री ऑयल से, कोकोनट ऑयल एंड टी ट्री ऑयल से मैंने मसाज किया यहाँ पर, उसके बाद मैंने लिप बाम लगाई है भर के, और अब मैं जा रही हूँ वैक्सिंग करने, इंस्टेंट वैक्सिंग। एंड अब देखो मेरी फुल ग्रोथ आ चुकी है, कितने सारे हेयर हैं, एंड ये देखो बहुत हेयर है। अच्छा, बैकग्राउंड पे जितनी भी नॉइज आया ना, उसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरे घर के आसपास इतना शोर होता है ना कि मैं क्या करूँ यार, मजबूर रहती हूँ, मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। अब हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम वैक्सिंग करेंगे, नहीं सबसे पहले हम फेस का करेंगे, उसके बाद हम वैक्सिंग करेंगे, क्योंकि मैं वैक्स नहीं करने वाली हूँ, मैं एक पाउडर यूज़ करूँगी जो कि इंस्टेंट आपके हेयर रिमूव कर देगा, एंड मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी मैंने कहाँ से लिया, कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है कि हमें अपनी रिंग उतार के रख देनी है। भाई मैं रिंग उतार के रख दूँगी, क्योंकि मैं जो पाउडर यूज़ करने वाली हूँ उसमें होता है केमिकल, थोड़ा केमिकल होता है, और उसमें ये रिंग मेरी गोल्ड की एंड सिल्वर की ख़राब हो सकती हैं। और उसके बाद आप जो भी एसेसरीज वगैरह पहने हो वो आपने उतार देना है, हाथ पे मतलब कुछ कड़े वगैरह आपने अगर डाल रखे हैं तो हटा देना है आपको। एंड उसके बाद मैंने जो फेशियल ऑयल, मैंने जो मतलब मसाज की है ऑयल से, उसे भी हमें हटा देना है। तो हम उसे कैसे हटाएंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जिस लिए मैंने यहाँ पर मसाज किया था वो मेरा काम हो चुका है, अच्छे से स्किन को हाइड्रेट कर दिया है, अच्छे से नरिश कर दिया है, जो भी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम थी वो थोड़ा सा दूर हो गई है। सो मैं अभी यूज़ करूँ यहाँ पर ये बेयर पील का है, मैंने इस बॉटल में डाल दिया है और समझ नहीं आ रहा कैसे इसको कहूँ। अच्छा चलो, हम इसे उसके बाद आपको एक टॉवल लेने हैं, आप डायरेक्ट वॉश भी कर सकते हो जाकर के साबुन से, बट मैं सोप यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहती, कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं फेस वॉश लगाऊंगी तो जितना भी मैंने अभी अपने स्किन को हाइड्रेट किया है, नरिश किया है, वो सारा एक्सेस ऑयल जो निकाल लेगा, जो कि मुझे अभी ज़रूरत है मेरी स्किन को ग्लो एंड हाइड्रेटेड रहने के लिए। आप देख सकते हो मेरा जितना भी एक्सेस ऑयल था, जितना भी मतलब ऊपर ऊपर दिख रहा था, वो सारा रिमूव हो चुका है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर सेम, मुझे पूरे फेस का हेयर रिमूव नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपर लिप एंड फोरहेड एंड आईब्रो के आसपास का करना है। मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रही हूँ टिंटल, ये सिरोना का रेज़र, इतना बढ़िया रेज़र है ना कि मज़ा आ जाता है, मैं यहाँ पर एक साल से यूज़ कर रही हूँ। इसमें ना ये जो आप ग्रिड देख सकते हो ना, ये दिख रही है आपको, बहुत मज़ेदार है, कटने पिटने का बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, आराम से ऐसे ऐसे करके यूज़ कर सकते हो, बट बी केयरफुल। एंड अच्छा, मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि रेज़र यूज़ करने से हेयर ग्रोथ ज़्यादा आती है, हेयर ग्रोथ थिक आती है, हेयर टाइट आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता यार, मैं 2-3 साल से रेज़र ही यूज़ कर रही हूँ एंड कुछ भी नहीं होता है, मेरे हेयर के दिख रहे हैं ज़्यादा नहीं है ना। ऐसे एक मिथ और बना हुआ है कि जो वैक्स पाउडर आता है उससे भी सेम ऐसी ही प्रॉब्लम होती है, हेयर ग्रोथ ज़्यादा आती है, थिक आते हैं, टाइट आते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आज मैं इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ बिल्कुल। ओके, आप देखो कितनी ईजिली यहाँ पर मेरे अपर लिप हो गए, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पार्लर नहीं जाना है, कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, और यार इतनी दूर पार्लर कौन जाए। इसी तरीके से हम अपना कर लेंगे फोरहेड और आईब्रो, आईब्रो भी मैं कई बार ना ऐसे ही कर लेती हूँ, मैं 2-3 महीने से ना गई ही नहीं करवाने, बहुत ही अच्छे से हो जाता है यार, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जाओ मतलब, जब टाइम ना हो आपको इंस्टेंट करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, बहुत सही है ये। आज भी बहुत लोग डरते हैं यार रेज़र यूज़ करने से, बट रेज़र बहुत 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 सही है यार, ये वाला पिंपल जहाँ पर हो वहाँ पर आपको रेज़र नहीं मतलब कटनी मारना आपको। अच्छा, आप यहाँ पर एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, एंड कोई सोप या फिर मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज़ मत करना, क्योंकि उससे फिसलने का डर रहता है।
करने के लिए, इसे हमें गंदा बिल्कुल भी नहीं रखना है। मैं अभी रख रही हूँ, बाद में मैं इसे क्लीन करूंगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप कोई भी सीरम अप्लाई कर लो, या फिर आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लो, या फिर आइस ले सकते हो। आइस एक बेस्ट तरीका होता है, अगर आपको कुछ भी डर है, सेंसिटिव स्किन है, तो आप जस्ट आइस ले लो इसके ऊपर, एंड आप एकदम सेफ एंड सिक्योर हो यहाँ पर। ओके गाइस, हमारा फेस का, हम मतलब फेस का सारा कंप्लीट कर चुके हैं। आईब्रो भी सेट कर ली, फोरहेड भी क्लीन कर ली, अपर लिप भी क्लीन कर ली। अब हमें करना है वैक्सिंग। वैक्सिंग के लिए मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रही हूँ, मतलब वैक्सिंग नहीं, हेयर रिमूव करना है। तो हेयर कैसे रिमूव करेंगी, मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वाली सोप। मेरे घर के पास ना ये मिलती है, और ये बहुत ही बेस्ट वे है हेयर रिमूव करने के लिए, क्योंकि मेरे पास ना वैक्सिंग का टाइम नहीं कि मैं इतनी जल्दी वैक्सिंग करूँ, और क्योंकि आज ही मुझे शूट करना है और वीडियो देनी है। तो ये बहुत ही बढ़िया वे है। आप मार्केट में ना बहुत सारी ब्रांड अवेलेबल हैं, आप किसी भी ब्रांड के साथ जा सकते हो, काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रांड है, काफ़ी महंगे प्रोडक्ट है, बट मेरे पास तो भाई यही है ना, घर के पास वाला काम, जुगाड़ू काम है मेरे पास। एंड तो मैं इसे हेयर रिमूव करती हूँ, एंड मतलब बहुत ही सस्ता है यार, आप समझ सकते हो, 10 रुपये, सिर्फ 10 रुपये। आप बड़े ब्रांड के साथ आप जाओगे तो आपको मिलेगा मतलब 500-600 के आसपास मिलता है, बट यहाँ पर सिर्फ 10 रुपये मिल रहा है यार। 10 रुपये में तो मेरी वैक्स भी नहीं होती। तो चलो हम जल्दी से यूज़ करते हैं। इसे यूज़ कैसे करना है, आपने कट करना है, मुझे बिल्कुल भी कट नहीं करना है। चाकू ले सकते हो, सीजर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने इसको कट कर लिया और खोल लिया, भाई इसके अंदर ये निकला है, और मतलब अच्छे से पैक करके दिया है इन्होंने, मतलब ब्रांड छोटा है तो क्या हुआ, तो कोई ब्रांड नहीं है, बट क्या हुआ यार, मतलब अच्छे से पैक करके आपको दे रहा है फॉइल में। एंड ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से सोप की तरह निकली है, एंड ये है, ये पूरा सोप है। इसको हमने कट करके, मतलब जितना हमें यूज़ करना है उतना हम डालेंगे इस वाली प्लेट में, मतलब कटोरी में। एंड स्ट्रिक्टली इसमें मना है कि क्या नहीं करना आपको इसके बाद, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। मैंने पानी डाला, एकदम फ्रेश और अच्छा पानी डाला, मैंने आरओ का पानी लिया है, कोई भी गंदा पानी नहीं डालना है आपने, फ्रेश एंड अच्छा पानी डालना है। पानी मुझे लगता है इसमें ज़्यादा हो गया है, और मैंने ले लिया एक ब्रश, ब्रश ले लिया है, और थोड़ी देर में ये घुल जाएगा अच्छे से, और अच्छा सा स्मूथ सा हमें पेस्ट बनाना है, और उसके बाद हमें हाथों पर लगाना है। हाथ पर लगाने से पहले हमें हाथ को एक बार अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है, उसके बाद हमें लगाना है। कटी पिटी जगह पर बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करना है, मतलब चोट लग गई हो, कुछ लग गई हो, मच्छर ने काट लिया हो, ऐसी जगह पर भी हमें बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है। सो देख करके हमें अच्छे से अप्लाई करना है। मेरे हाथ पर ऐसा कोई इशू नहीं है, तो मैं इसे झटाझट से फटाफट से अप्लाई कर लूँगी। इसको किसी भी डायरेक्शन में आप इसे अप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब रिमूव कर देगा। अब मैं जा रही हूँ अपने हेयर, मतलब ये सारा क्लीन करने। सो क्लीन करने से पहले मैं क्या करूँगी, मैं वॉशरूम में जाऊँगी, क्योंकि इतना सारा मैं यहाँ पर बैठ कर फिर गंदा नहीं कर सकती, भाई मम्मी आके चपेट मारेगी मुझे। तो मैं जा रही हूँ वॉशरूम, चलो। अगेन, और मैं आ गई हूँ नहा धोकर, रेडी होकर के आ गई हूँ, मतलब रेडी नहीं हुई हूँ, रेडी होंगी अभी क्योंकि शूट है। सो इतना सारा फैला हुआ है, लेकिन मैं नहा लिया, वैक्सिंग मैंने कर लिया है, बॉडी लोशन अभी कोई भी अप्लाई नहीं किया है। बिना बॉडी लोशन अप्लाई किए हुए देखो आप कितनी हाइड्रेटिंग स्किन लग रही है, मॉइस्चराइजर की बिल्कुल भी नीड नहीं हो रही है, बिल्कुल भी ड्राई स्किन नहीं हो रही है, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं कर रही है, इचिंग नहीं कर रही। लेकिन हाँ, आपको एक काम करना है कि लगाने के बाद आपको सोप या कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करना है आपको अपनी बॉडी पर, सिंपल पानी से आपको वॉश करना है। एंड तो गाइज, ये रहा पार्ट वन, ग्रूमिंग एट होम। एंड जब मैं शूट पे, जब मैं शूट करती हूँ तो कैसे क्या करती हूँ खुद से, एंड बिना पार्लर गए हुए घर में ही सब कुछ कर लिया है मैंने। सो आप भी इस तरीके से कर सकते हो, एंड कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको ऐसा, ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे और भी अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना आप लोग। एंड मैं जा रही हूँ रेडी होने, और ये वाला पार्ट आपके साथ सेकेंड वीडियो में शेयर करूँगी कि मैं घर पर, मतलब ऑब्वियसली मैं घर पर ही रेडी होंगी, आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी कि मैं कहीं पार्लर वाले बुलवाऊँगी या फिर मेकअप आर्टिस्ट बुलवाऊँगी अपने मेकअप करने के लिए। सो मैं जा रही हूँ रेडी होने, अभी मुझे हेयर स्ट्रेट करना है, कैसे हेयर स्ट्रेट करती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, सब कुछ वीडियो में, सेकेंड वीडियो में शेयर करूँगी। सेकेंड पार्ट इसका आएगा ग्रूमिंग एट होम का, एंड उसमें मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी, हेयर का, मेकअप का, कैसे क्या ड्रेसअप वगैरह कर रही हूँ, कैसे क्या शूट करती हूँ, ये भी मैं भी आपके साथ शेयर कर दूँ। सो चलो मिलती हूँ आपके साथ अगली वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।